हेलो हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका एमआर कुमार टेक्नीशियन यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास एक चाइना का सीआरटी टीवी रिपेयर के लिए आया है। सो इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये जो पिक्चर है ये आधा ही आ पा रहा है, आधा नहीं आ रहा है। तो इसे वर्टिकल का फॉल्ट मान के चलते हैं हम। सो इस वर्टिकल के फॉल्ट को हम कैसे दूर करेंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही रिलेटेड वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये इस टीवी का किट है, ये आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ, ज़्यादातर जो ये वर्टिकल फॉल्ट है ये कैपेसिटर के द्वारा ही आता है। कैपेसिटर से वीक हो जाने से या कैपेसिटर खराब हो जाने से या कोई कैपेसिटर शॉर्ट होने से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरा नज़दीक से क्लोजअप करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सारे कैपेसिटर है ये 110 की सप्लाई का है और ये जो वर्टिकल रिलेटेड है और ये साउंड के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिखने में ऐसा कोई भी कैपेसिटर इस पोजीशन में नहीं है कि ये फूला हुआ हो या डैमेज हो। सो आप इसको देखकर ऐसे क्लियर नहीं कर सकते। तो हम इसको मीटर से और इसका जो पावर सप्लाई है इसको गेन करके ही क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मीटर को मैंने डीसी रेंज पे कर रखा है और यहाँ एक प्रोब को मैं ग्राउंड कर ले रहा हूँ। हाँ, ये नीचे वाला जो है सप्लाई, यहाँ पर 16 वोल्ट है, यहाँ पर 8 वोल्ट है, ये भी ठीक है, यहाँ पर 10 वोल्ट है, ये भी ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं ये वाला जो यहाँ पर डायोड का है एरो बना हुआ है और ये इसका डायोड से माइनस सप्लाई जो है ये इसके वर्टिकल को मिलना चाहिए। ये सप्लाई ज़्यादातर ऊपर की साइड से, अगर आपको पिक्चर आधा आ रहा है तो माइनस सप्लाई का फॉल्ट है, और नीचे की साइड से आता है तो ये प्लस का फॉल्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर माइनस का जो सप्लाई है उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर ये डायोड पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर 220 mFD 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये माइनस में चेक करते हैं तो यहाँ पर 6 वोल्ट के समथिंग हमें अवेलेबल मिल रहा है। तो मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो कैपेसिटर है ये माइनस वोल्ट की फिल्टर के लिए है, 220 mFD 25 वोल्ट। तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कैपेसिटर है इसको मैंने रिमूव कर लिया है, बाहर निकाल लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थोड़ा फोकस आउट हो रहा है। सो ये 220 mFD 25 वोल्ट का फिल्टर कैपेसिटर है और यहाँ पर दिखने में ये कोई भी तरह से ख़राब नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये मैंने न्यू कैपेसिटर ले लिया है, सेम वैल्यू का है, 220 mFD 25 वोल्ट। सो इसको हम यहाँ पर पीसीबी बोर्ड में इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप अगर कैपेसिटर लगाते हैं तो एक चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखें, ये जो वाइट सा यहाँ पर नज़र आ रहा है इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। तो ये जो है ये माइनस वाला है और ये वाला जो है इधर प्लस रहेगा। तो कैपेसिटर पे भी आप लगाएंगे तो ये जो लाइन सा बना हुआ है वाइट और ये तो लाइन है, ये माइनस है और इधर वाला प्लस है। तो मैं इधर इसको यहाँ पे प्लस और माइनस पे माइनस लगा लेता हूँ। सो मैं इसको सोल्ड कर लेता हूँ। सो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कैपेसिटर है मैंने इसको रिसोल्ड कर दिया है न्यू कैपेसिटर लगा के। सो मैं इस पिन को जो एक्स्ट्रा है इसको थोड़ा कट कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर पीसीबी बोर्ड में कोई शॉर्टिंग ना हो।
मैंने इसको कैपेसिटर को लगा लिया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने को पहले 6 वोल्ट मिल रहे थे, तो अब हम यहाँ पे माइनस पे चेक करते हैं, तो यहाँ पर हमारे को 14 वोल्ट मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वही नेगेटिव पॉइंट पे मैंने लगा के रखा है मीटर को, और यहाँ पर 14 वोल्ट अवेलेबल मिल रखे हैं। तो अब हम इस डिस्प्ले को देखते हैं, ये जो हमारा फॉल्ट है ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो अपना वर्टिकल फॉल्ट था हाफ पिक्चर का, वो एकदम क्लियर हो चुका है। सो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, और मेरे चैनल पर अगर आप पहले बार हैं, नए हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।